इंदौर के सेंट रफेल स्कूल के इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इंदौर में सर्वटे होटल हादसा उस समय एक बार फिर याद आ गया जब शहर के ओल्ड सीहोर रोड पर स्थित सेंट रफेल स्कूल की इमारत का एक हिस्सा सोमवार सुबह अचानक गिर गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जब यह हिस्सा गिरा तब वहां बच्चे मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इमारत का जो हिस्सा गिरा है उसके मलबे में क्लासरूम की टेबल कुर्सियां भी दबी हुई दिखाई दे रही हैं। अगर यहां बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से स्कूल में निर्माण कार्य चल रहा था। इस हादसे से स्कूल में सनसनी फैल गई। घटना के बाद स्कूल में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन हादसे को देर रात का बता रहा है, लेकिन स्कूल के बच्चियों ने मीडिया के सामने घटना की पोल खोल दी। नहीं, इट हैपेंड 6 बजे हुआ था। बच्चे लोग नहीं आए थे उस समय, वो गेट वगैरह बंद थे उस समय। ऐसा हम लोग ऐसा देखिए, हम तुरंत डिक्लेयर किया था बच्चों को आने का, मैंने कर दिया, गेट वगैरह बंद कर दिया। देन अभी आज छुट्टी भी दिया, डिक्लेयर किया है आज और कल के लिए। क्लियरिंग करना है जो करना हुआ है उधर। बस नहीं है हमारे पास, बस नहीं है। पेरेंट्स खुद ही बच्चे को छोड़ के लेके जाते हैं। वो ऑटो रिक्शा वगैरह ऐसा सुविधा है बच्चों को, वो पेरेंट्स खुद ही बेचते हैं ऑटो में। पिलर गिर गया। कब गिरा ये बताया कुछ? जब हम लोग आ रहे थे ना, पूरा धुआं धुआं हो रहा था। अच्छा, धुआं हो रहा था। हाँ, तो दीदियों ने बताया। बच्चे बैठे थे उसमें? नहीं। कितनी बजे आए थे आप? एटलीस्ट हम लोग 7:25। कुल मिलाकर इस घटना के सामने आने के बाद जहां स्कूल प्रशासन लीपापोती करने में लगा हुआ है, वहीं हादसे की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।